हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हो चल रहे होंगे। कुछ लोगों के अभी हो सकता है कि शुरू ही ना हुए हों, और जिनके नहीं हुए उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेजर के ऊपर। और लेजर के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग आज समझेंगे वो मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर एंड प्रोडक्शन ऑफ लेजर। तो बेसिक जो हमारा फोकस आज रहने वाला है वो इस लेजर के ऊपर है। और हम इस लेक्चर में इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम बेसिकली ए टू जेड सारी चीज कवर करने वाले हैं। बट जो भी चीज हम कवर करेंगे वो ए टू जेड की बजाय जेड टू ए करेंगे। जेड टू ए का मीन्स आप देख सकते हैं मैंने पहले एप्लीकेशंस को यहाँ पर स्टार्ट किया है। और मोस्ट प्रोबेबली हमें अपनी स्टडी में यही करना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की बेसिक एप्लीकेशन क्या है, उस टॉपिक का यूज हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो हमें पता लग पाएगा कि हमें इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट को ना करते हुए। और बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि आप लोगों के पेपर कैसे जा रहे हैं तो प्लीज आप उनको कमेंट में जरूर लिख दीजिए, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको हम अभी अपने वीडियोस कवर अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो इंतजार करिए। अगर हो सकता है कि आपके एग्जाम से पहले वो अपलोड हो भी जाएं, और नहीं भी होते हैं तो फिलहाल आपके आगे आने वाले टाइम में जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपके काम में ही आएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो लेजर है। लेजर जो अपने आप में एक टर्म है, इसके बेसिक की शुरुआत हम लोग करते हैं। ये आया कहाँ से टर्म, इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में आप बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे। अगर आप पहले से लेजर के बारे में जानते भी हैं तो आप पाएंगे इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें जो आपको आज न्यू पता लगने वाली है। तो लेजर जो है हमारा ये टर्म, इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं, इट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर की एक जनरल फुल फॉर्म बना दी गई है। फुल फॉर्म क्या बनाई गई है, इसी एक्चुअली ये टर्म से ही लेजर का कह सकते हैं कि जनरेशन हुआ। ये टर्म जो है पूरा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी टर्म को लेकर के ही वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था। किसने इंट्रोड्यूस कराया था, देख सकते हैं नाम भी मैंने लिखा हुआ है, डॉक्टर टीएच मेमन। ये कैलिफोर्निया में एक रिसर्च लैब में साइंटिस्ट थे, और अप्रोक्स 1960 में इन्होंने ये एक सक्सेसफुली कह सकते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था लेजर का, वो था हमारा रूबी लेजर। तो 1960 में, 1960, और जो ये डेट लिखी हुई है अप्रोक्स है 16 मई में इन्होंने अपना जो सक्सेसफुल कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन था वो कर लिया था। और इस डेमोन्स्ट्रेशन को करते समय इन्होंने एक रिसर्च पेपर उस समय लिखा, और उस रिसर्च पेपर को इस डेट में उन्होंने भेज दिया था, फिजिकल रिव्यू लेटर्स जर्नल जो है उसमें भेजा था। बट उस रिसर्च में इस पे मैं हो क्या रहा था इस टाइम में, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो इस टाइम पर मेजर एक है टर्म आपने पढ़ा है लेजर, और जो हम पढ़ रहे हैं लेजर उसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेजर, MASER। तो ये दोनों में अंतर क्या है, लेजर और मेजर? तो लेजर के इन्वेंशन से पहले मेजर आ चुका था, और उसको जनरली जो लोग थे जो रिसर्च जिन्होंने इस पर करी थी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन किया था वो सारा चीज स्टिम्युलेटेड एमिशन पर ही बेस्ड था। जो मेजर जो था ये क्या होता है, माइक्रोवेव, ये बेसिकली एम जो है एम इज स्टैंड फॉर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बाकी डेफिनेशन इज सेम, जो कह सकते हैं फुल फॉर्म इज सेम, बट द डिफरेंस इज बिटवीन इन एल एंड एम। एल लेजर में लाइट एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, और इसमें माइक्रोवेव, यानी कि मेजर भी एक ऐसा ही लेजर से मिलता जुलता कुछ डिवाइस था। बट जिस समय तक मेजर आया था उस समय तक लेजर का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन मेजर के आने से जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर टीएच मेमन, इन्होंने अपनी रिसर्च लैब में
मेजर के कॉन्सेप्ट को लिया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लिया और उससे एक रूबी रॉड पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उससे एक सक्सेसफुली हाई इंटेंसिटी की बीम प्रोड्यूस कर दी थी। लेकिन फिजिकल रिव्यू लेटर्स जो जर्नल था उसने इनके इस रिसर्च पेपर को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया और उसको कहा कि ये हो ना हो कहीं ना कहीं मेजर का ही इन्होंने कॉपी करके दे दिया है। लेकिन बाद में उसी रिव्यू जो कमेटी में जिन्होंने इनका पेपर रिव्यू किया था उन्हीं कमेटी में एक मेंबर थे जिन्होंने इसको बहुत थोरोली पढ़ा, डीपली पढ़ा और उन्होंने पाया कि नहीं, ये इसमें माइक्रोवेव रेंज के अलावा जो इंटेंसिटी है वो लाइट पर बेस्ड है। तो उन्होंने उसका पेपर फिर अप्रोक्सीमेटली जुलाई 1960 में पब्लिश किया था। तो ये तो थी हमारी बात एक हिस्ट्री की कि कहां से लेजर का प्रोडक्शन हुआ। इससे अगर हम और ब्रीफली हिस्ट्री में जाएं या हम कहें कि भाई एक्चुअल में लेजर का क्रेडिट हम दें किसे, तो लेजर का जो क्रेडिट अगर कहें बेसिकली वो टीएच मेमन को भी नहीं जाता है। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ये बिल्कुल कि इसका लेजर का जो क्रेडिट है वो है हमारे आइंस्टीन के ऊपर बेस्ड। क्यों है आइंस्टीन के ऊपर बेस्ड? क्योंकि जो इसकी प्रोसेसेस हैं जिनका नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसको भी डिटेल में हम समझने वाले हैं कि ये होता क्या है, एक्चुअल में ये सारी देन थी आइंस्टीन की। लेकिन आइंस्टीन की भी देन अगर हम कहें डायरेक्टली उसकी भी नहीं थी और ये सारा काम 19 सेंचुरी में चल रहा था। और 19 सेंचुरी में सबसे पहले स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं मैक्स प्लांक की, तो मैक्स प्लांक को नोबल प्राइज भी दिया गया था जब उन्होंने लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस कर दिया था, उसके वेव पार्टिकल ड्यूलिटी उसके बाद आई। तो ये सब एक सिक्वेंस चल रहा था और उसी टाइम पे बहुत सारे इन्वेंशंस पूरी दुनिया में हो रहे थे। तो उसी टाइम पे ही उन्हीं के कंसेप्ट को, मैक्स प्लांक के कंसेप्ट को लेकर के आइंस्टीन ने अपने कंसेप्ट दिए जिसमें उन्होंने स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी आइंस्टीन ने। उनके कंसेप्ट का यूज करके मेजर बना, मेजर का कंसेप्ट का यूज करके उससे आइडिया लिया टीएच मेमन, डॉक्टर टीएच मेमन ने, और उन्होंने वहां से लेजर का कंसेप्ट बनाया। तो कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी चेन है और एक दिन में कोई भी आविष्कार नहीं होता, एक छोटा सा आइडिया बस क्लिक करना होता है। तो हो ना हो वो तो उस टाइम पे जब रिसोर्सेज इतने सारे नहीं थे तब एक इन्वेंट हुआ, तो क्यों ना चलिए आप और हम भी कुछ ना कुछ ऐसे नया एक आइडिया सोचें। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है कुछ या कैसा क्या हो सकता है आज के टाइम में, उसको आप सोचिए, अगर आपको कुछ रिलेटिव लगता है तो आप उसको कमेंट में भी लिखिए और हम लोग आपके साथ उसको शेयर भी करें। तो यहां पर ये तो थी ब्रीफ हिस्ट्री की बात। अब हम बात करेंगे कि लेजर जो टर्म है इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे इसके बेसिस को समझें। तो ये जो लेक्चर में स्टार्ट मैंने किया है इस लेक्चर को बहुत बेसिक की वजह से किया है, तो जो लोग अगर पहले से जानते भी हैं तो उनको बोर भी लग रहा होगा। इससे पहले मेरे वीडियो पे कमेंट भी आया मैक्सवेल वाले पे, आपको साथ शेयर करना चाहूंगा, आप देख सकते हैं उसमें कमेंट में उन्होंने लिखा है कि सर आपने जो ये डेरिवेशन किया, मैंने मैक्सवेल का उसमें डेरिवेशन किया था इक्वेशंस का, तो वो 20 मिनट्स का एक वीडियो था। तो उनका कहना ये था कि सर आपने 20 मिनट्स बहुत ज्यादा ले लिए हैं और ये डेरिवेशन आपको थोड़ा कम टाइम में करना चाहिए था, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ एक ऑडियंस के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया, पूरा बेसिकली जो हम वीडियोस बना रहे हैं अपने इंडियंस के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसको दुनिया भर से लोग देख रहे हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग देख रहे हैं। तो सबको ध्यान में रख करके हम इस वीडियो को बनाते हैं और इसलिए हमारे वीडियोस में आने में टाइम भी लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप तक बहुत अच्छा कंटेंट पहुंच सके। और कोशिश करता हूं वैसे तो मैं अपने सारे लेक्चर्स में कि कोई भी क्वेरी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि अगर आधा अधूरा देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज जनरेट हो जाएंगी। जो पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी जनरेट नहीं होगी, फिर भी होती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए और हम लोग आपके साथ उनके एक बहुत अच्छे ग्रुप कह सकते हैं डिस्कशन या इंटरेक्शन को करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सीधे स्टार्ट करता हूं मैं इसमें कि लेजर की ये थ्योरी है क्या। लेजर जो टर्म था मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी कराया कि ये मेजर से बना हुआ है और टीएच मेमन जी ने इसको 1960 में सक्सेसफुली डेमोंस्ट्रेट कर दिया था। अब जो हमारा आज का टॉपिक है पहला, उसका जेड टू ए अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि ए टू जेड हम पढ़ रहे हैं इसमें, बट हम जेड की बात सबसे पहले करेंगे कि हम इसको पढ़ते क्यों है। तो लेजर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका वाइड एप्लीकेशन आज के टाइम में
क्या क्या है अगर मैं बात करूं एक जनरल मोटा मोटा, इस पर एक अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा, बिकॉज एप्लीकेशंस ऑफ लेजर को एक घंटे के वीडियो में भी मैं इसको पूरा कवर नहीं कर सकता, इतने वाइड एप्लीकेशंस इसके हैं। बट एक ब्रीफ में अगर बात करूं तो ब्रीफ अगर बात करें तो मेडिकल के फील्ड में सबसे ज्यादा इसका यूज आप लोग आज देख रहे होंगे कि मेडिकल में लेजर के आई सर्जरी जितनी भी होती है, लेसिक ऑपरेशंस होते हैं, तो उनमें इसका यूज किया जाता है बहुत ज्यादा मेडिकल में। दूसरा स्टोन रिमूवल, जो गॉल ब्लैडर सॉरी किडनी स्टोन्स जो होते हैं उनके किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। और भी बहुत सारे लेजर के यूज डिफरेंट डिफरेंट उसमें, जैसे डेंटल सर्जरी अगर है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। और डिफरेंट टाइप्स की जो स्कोपीज होती हैं, एंडोस्कोपी लाइक, या जो कैमरा अंदर जाता है पेट के अंदर, वहां की सारी चीजें हमें टीवी स्क्रीन पे मेडिकल में दिख रही होती हैं, तो उसमें जो कैमरा लगा होता है उसमें जो लाइटनिंग होती है वो कुछ लेजर की तरह लेजर ही रहता है। तो बहुत सारे मेडिकल के एप्लीकेशन हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें लेजर के प्रिंटर्स, लेजर माउस, लेजर के स्कैनर, डिफरेंट टेक्नोलॉजी लेजर की हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। लेजर के पॉइंटर जिससे हम टीचिंग में भी यूज करते हैं, या आप लोग गेम्स खेलते हैं, या बचपन में 50 रुपीज वाली लेजर सभी लोगों ने यूज करी होगी, नहीं करी तो जरूर करिए। और एक उसका एंटरटेनमेंट, उसमें अलग अलग आगे से ऑप्शन दिए रहते हैं, पिक्चर्स वॉल पे आप देख सकते हैं। तो ये एक जनरल टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के फील्ड में इसका यूज हो रहा है। इसके अलावा सबसे बेसिकली ये आर्मी या जो हमारी इंटेलिजेंस है, कह सकते हैं कि जो मिलिट्री पर्पज के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा रात के टाइम पे एयरक्राफ्ट में नीचे कुछ लाइट्स ब्लिंक करती रहती हैं, तो एक्चुअल में वो जो लाइट ब्लिंक करती हैं वो लेजर्स होते हैं जो जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी डिस्टेंस को पता लगाते रहते हैं कि वो नीचे जमीन से कितना ऊपर है या उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इस तरीके की डिस्टेंसेस को पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का। और ये लेजर बेस्ड राडार कहा जाता है, जिसे हम लिडार का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं मटेरियल प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा वाइडली इसका यूज किया जा रहा है। मटेरियल प्रोसेसिंग का मीन्स अगर मैं कहूं लेजर की, जैसे कटिंग, लेजर की हेल्प से इतनी फाइन कटिंग जो हम लोग अपने ज्वेलरीज देखते हैं अपने मार्केट में कि इतनी फाइन कटिंग फिनिशिंग के साथ मिल जाती है, डायमंड की कटिंग हो जाती है, तो ये सब फाइन फिनिशिंग कटिंग्स आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरे चैनल पे तो नहीं है, वहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लेजर बेस्ड कटिंग होती है, इतनी फाइन बहुत ही बारीक सी कटिंग। तो कटिंग है, वेल्डिंग है, ड्रिलिंग है, ये सारी चीजें भी लेजर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इस पर हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ लेजर हमने समझ ही लिया कि इतने वाइड एप्लीकेशंस हैं और आजकल लेटेस्ट लेटेस्ट लेजर मार्केट में आता जा रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताइए, या अगर आपको मालूम है तो बताइए कि आज के टाइम में लेटेस्ट लेजर कौन सा है। आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उस लेजर का नाम, उसकी वेवलेंथ अगर पता लगा पाए तो और अच्छी बात है, उस लेजर का नाम बताइए जो इस समय करेंटली सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। पावर उसकी अलग अलग हो सकती है, या क्योंकि बहुत सारे लेजर्स हैं जो वाइडली यूज हो रहे हैं, तो आप उनमें से किसी भी एक लेजर का नाम बताइए। इनकी जो पावर की हम बात करें तो मिलियंस वॉट बहुत ज्यादा होता है। मिलियंस वॉट के लेजर आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लो पावर से लेके हाई पावर तक के लेजर हैं, और ऐसे लेजर जिनसे लेजर के वेपन्स तक बन सकते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, इनको बनाना बैन है पूरी तरीके से। बट कई मिलिट्री आर्मीज इस तरीके के लेजर वेपन्स का यूज करती भी हैं। फिलहाल अब हम बात करेंगे कि लेजर है क्या। ये हमने समझ लिया कि लेजर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज अ वाइड एप्लीकेशंस, उसमें इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको हम, मैंने बोला भी था एक घंटे में हम कवर भी नहीं कर पाएंगे, तो एक ब्रीफ मैंने दे दिया है। तो अब हम समझते हैं कि ये लेजर टर्म आया कहां से, कैसे आया, क्या है। कई लोग मैं देखता हूं स्टूडेंट्स को जब मैं इसका वायवा लेने जाता हूं, या कोई प्रैक्टिकल फिजिक्स का होता है एग्जाम किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम लोग वायवा लेते हैं, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स उस नॉलेज को तो रख रहा है कि लेजर क्या है, सब कुछ बता रहा है, बट उसे उसका फंडामेंटल थिंग ही नहीं पता होती कि जो ये सब लेवल्स की हम बात करते हैं, एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, वो ये जानता ही नहीं है स्टूडेंट की वो कहां पर है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार उसको हम डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं मैं, और लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट ये बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर कर देगा।
क्या है ये कंसेप्ट कि हम सभी जानते हैं एटम की थ्योरी को। एटम की थ्योरी क्या है भाई, उसमें कोई नई बात मैं नहीं बताने जा रहा हूं, बस ये है कि हम जानते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सपोज कर लेते हैं कि दिस इज अ न्यूक्लियस एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस वी नो दैट देर आर सेवरल ऑर्बिट्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स इसमें होते हैं और इन ऑर्बिट्स को हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि K है, L है, M है, N है, डिफरेंट डिफरेंट नाम इसको दे दिए जाते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में हम क्या देखते हैं कि इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम E से ऐसे शो कर देते हैं, अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसके के ऑर्बिट में, एल ऑर्बिट में, एम ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिलहाल हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ने जा रहे, एक ओवरव्यू मैं देना चाहता हूं कि लेजर टर्म आया कहां से, उसके एनर्जी लेवल से जो वो कहां से आ रहे हैं उनकी बात में करने जा रहा हूं। तो ये जो एटम है, इस एटम में दो तरीके के इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो लेजर को समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट, मैं अभी भी ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये बात नहीं पता रहती है कि जो लेजर में इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट गया या अपर से नीचे आया, वो इलेक्ट्रॉन होता कौन सा है, कई स्टूडेंट इसको नहीं जान पाते। तो मैं यही बात बस यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि सबसे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इनकी एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करूं कि हर ऑर्बिट की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो डिपेंड करता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इन्हीं को हम एनर्जी लेवल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हम ऑर्बिट बनाते हैं उस ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंटेशन लेजर में कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये हम बताते हैं, सपोज कि ये एक लेवल E1 है, एक लेवल E2 है। तो E2 और E1 लेवल पे हम कंसीडर करते हैं कि बताया जाता है कि इस तरीके से कोई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें कोई हम अगर एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो हम बनाते हैं फिगर, ये एक्चुअल में है कहां पर, ये किसी भी एटम के अंदर मौजूद ऑर्बिट्स ही हैं। अब यहां पर बात मैंने जो स्टार्टिंग करी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन आखिर इनमें से कौन सा वाला होता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि लेजर का जो फंडामेंटल फिनोमेना है वो हमेशा बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड होता है। अब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे जो किसी भी ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अलावा मौजूद रहेंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे कहलाएंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। और हम जो इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे ये ऊपर जा रहा है या ऊपर से वो नीचे आएगा, तो वो एनर्जी बहुत हाई एनर्जी नहीं होती है, केवल इतनी एनर्जी होती है जिससे कि वो अपने एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सके। और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन उस इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुके हुए हैं, इनको बाहरी लेवल से हमने कोई एनर्जी दी और ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, अगर हाई एनर्जी होगी तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसको एक लिमिटेड एनर्जी दी जाती है जो कि हम अगर इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूं E2 - E1 के डिफरेंस के बराबर हम इसको एनर्जी एक्सटर्नल देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट्स को छोड़ करके अपने ऊपर यानी कि एक्साइटेड स्टेट वाले हायर एनर्जी लेवल की तरफ, ये लोअर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल, इस ऊपर के लेवल की तरफ ये शिफ्ट करना शुरू करता है। तो ये कंसेप्ट है लेजर के फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स का, कि जिसकी वजह से लेजर का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसको अभी हम इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में यहाँ प्रोडक्शन ऑफ लेजर में, जब हम बात करेंगे स्टिम्युलेटेड एमिशन की, जब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस की, पॉपुलेशन इन्वर्जन की, इन सब सारी चीजों की बात करेंगे, वहां पर हम इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था लेजर का फंडामेंटल थिंग कि लेजर में जो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। तो यहां से बस ये जो मैंने पॉइंट बताया है, इसलिए बताया है कि आपको याद रखना है कि ये लेजर में फ्री इलेक्ट्रॉन की बजाय जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर की, कि लेजर की प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो अब ये शुरू करने से पहले हमने लेजर का फंडामेंटल थिंग समझ लिया कि लेजर में इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट क्या है, एप्लीकेशन समझ लिया। तो पहले
इस टॉपिक से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर से पहले ये समझ ही लेते हैं कि लेजर है क्या, अभी क्योंकि मैंने अभी तक इस टर्म को बताया नहीं आपको कि लेजर होता क्या है। तो अब हम इस कंडीशन में है, बेसिक हम सारे कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कंडीशन में है कि हम इस वर्ड को समझ पाए कि ये है क्या। लेजर, लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से अपने माइंड में फिक्स करिए कि इसमें जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, जो ये वर्ड आया है, ये इसका मेन वर्ड है, जिसको हम आगे अगर कहें थर्ड पॉइंट पे प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, तो द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन इज बेस्ड ऑन मेनली स्टिमुलेटेड एमिशन। यही लेजर एक्शन का सबसे मेन प्रिंसिपल भी है, इसीलिए इसका नाम लेजर की जो डेफिनेशन है या लेजर का जो फुल फॉर्म है उसमें इसको यूज किया गया है। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर मैं कहूं कि लेजर एक इस तरीके से कोई बना हुआ डिवाइस है जिसको हमने नाम दे दिया, एक एग्जांपल है कि ये लेजर है, एक डिवाइस है। लेजर क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी की लाइट बीम, वो प्रॉपर्टीज क्या है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाई इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी की लेजर बीम को आउटपुट में देता है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट बीम आउटपुट हमें मिलता है। तो लेजर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को एम्पलीफाई करके, लाइट में क्योंकि यहां पर वर्ड पढ़ लीजिएगा एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का मींस क्या होता है कि सिग्नल को इंक्रीज करना। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इनपुट सिग्नल इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं? किसी भी दिए गए इनपुट सिग्नल को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, वो हमारा एम्पलीफिकेशन कहलाता है। बट इन केस ऑफ लेजर वी कैन सी दैट द इनपुट इज लाइट। हमारा जो लेजर में इनपुट होता है, जो मशीन अगर हम कहें कि ये कोई डिवाइस है जिसमें इनपुट देंगे कुछ और वो आउटपुट हाई हो जाएगा तभी वो लेजर बनेगा, तो वो लेजर किसकी वजह से बन रहा है? लाइट के एम्पलीफिकेशन की वजह से। और ये लाइट का एम्पलीफिकेशन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है? ये हो रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। तो ये क्या है सारा सिस्टम, इसको हम समझते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लेजर जो डिवाइस है वो किस तरीके की प्रॉपर्टी वाली लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं इसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है हाई इंटेंसिटी। कि लेजर की जो लाइट होती है उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इतनी हाई होती है कि अगर उसको हम डायरेक्टली अपनी आंखों पर प्लेस करते हैं तो कुछ ही देर में हमारी आंखों में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और आई साइट हमारी जा भी सकती है अगर हाई पावर की लेजर लाइट हमने अपनी डायरेक्ट आई में रेस उसमें रखी। तो इसलिए हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम से थोड़ा आईज पर प्रोटेक्शन रखें, ना उसको डालें। दूसरा है, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी दूसरी, हाई डिग्री ऑफ कोहरेंस। तो ये कोहरेंस प्रॉपर्टी, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस इन सब बता रखा है। कोहरेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें फेज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड और बहुत सारी चीजें जो सेम होती हैं प्रॉपर्टीज लाइट की, तो हाई डिग्री का इसमें कोहरेंस मिलता है। इसकी जो डायरेक्शनलिटी होती है, हाई डायरेक्शनलिटी का मीन्स कि बहुत ज्यादा दूर तक जा सकती है, डायरेक्शन इसमें काफी ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मल लाइट है टॉर्च लाइट और एक हाथ में हम ले रहे हैं लेजर लाइट, तो दोनों की जो लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्शन होगा वो कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? लेजर लाइट। तो इसकी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं हाई डायरेक्शनलिटी भी होती है। इसके अलावा जो डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लाइट की बीम आउटपुट होता है वो बहुत ही कम डाइवर्ट होता है। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि लेजर में जो बीम डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस किसे कह रहे हैं कि लाइट ऐसे चल रही है और ये डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि उसका फैलना, स्प्रेडिंग जो हो रही है वो कैसी है? बहुत ही कम होती, कई किलोमीटर तक इसको भेजा जा सकता है। और न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और जो एयरक्राफ्ट वगैरह चलते हैं वो जमीन तक अपनी लेजर को भेज देते हैं, तो कई किलोमीटर तक लेजर की लाइट हाई इंटेंसिटी की भेजी जा सकती है।
तो लो बीम डाइवर्जेंस और ये कुछ एक मेन प्रॉपर्टी मैंने इसकी लिख दी है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इसकी प्रॉपर्टी ऑफ लेजर पर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिस पर आपको इन सारी चीजों की डिटेल में कि इंटेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला किस तरीके से हम इंटेंसिटी को निकालें, बीम डाइवर्जेंस को किस तरीके से निकालें, उनके न्यूमेरिकल्स में उसको कैसे यूज करें, इन पर एक अलग से वीडियो होगा। ये बेसिक बस लेजर को समझने का एक वीडियो मैंने अभी बनाया है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब नेक्स्ट है जो हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन इज ओनली स्टिमुलेटेड एमिशन। प्रोसेसेस आर सो मेनी प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लेजर। बहुत सारी प्रोसेस हैं जो प्रोडक्शन ऑफ लेजर में रहती हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सारी भी। बट जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन इज ऑलवेज स्टिमुलेटेड एमिशन। जो लेजर एक्शन हो रहा है, लेजर का मतलब ये लाइट का एम्प्लीफिकेशन, तो लाइट के एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ओनली स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको डिटेल में भी हम आगे समझेंगे ये है क्या। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर की। तो ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा ब्रीफ डिस्कस मैंने इसके बारे में किया है, और डिटेल डिस्कस के लिए आप हमारे चैनल को, टेक्निकल फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और अगर आपके एग्जाम्स हो भी चुके हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे तक आपके काम आने वाला है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर की हम बात कर रहे हैं कि लेजर में आखिर होता क्या क्या। हम बाहर लेजर जैसे पॉइंटर है, इस तरीके का मान लीजिए कोई पॉइंटर देखते हैं, लेजर लाइट प्रेस करते हैं, लाइट दिख जाती है, लेकिन इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या चीज ऐसी है जिससे हमें लेजर मिल जा रहा है, बन जा रहा है। तो वो चीज हम समझते हैं लेजर के मेन कंपोनेंट्स के जरिए। तो लेजर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको मैं लिखता हूं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है, इट इज एक्टिव मटेरियल। द सेकेंड वन वी कैन से ऑप्टिकल रेजोनेटर। द थर्ड वन इज पंपिंग सिस्टम, पंपिंग सोर्स भी इसको हम कह सकते हैं, पंपिंग सिस्टम। एंड फोर्थ वन एक्स्ट्रा, कभी कभी कई सारे, ये तो मेन है, तो मेन के अलावा एक और पॉइंट हम जो जोड़ देते हैं इसमें, कूलिंग सिस्टम। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द लेजर्स इन विच वी यूज ऑप्टिकल पंप सोर्स इन विच द हीट इज वेरी हाई, सो इन दीज टाइप्स ऑफ लेजर्स वी रिक्वायर जनरली कूलिंग सिस्टम, तो इसको हमने अलग से एड कर दिया है। तो बेसिकली जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो याद रखिएगा, ये तीन ही होते हैं, एक्टिव मटेरियल, ऑप्टिकल रेजोनेटर और पंपिंग सिस्टम। एक्स्ट्रा कुछ लेजर्स में हमें जरूरत पड़ती है कूलिंग करने के लिए, तो कूलिंग सिस्टम भी हम मेन कंपोनेंट्स में एड कर सकते हैं। अब ये है क्या, इनको डिटेल में समझते हैं। एक्टिव मटेरियल है क्या भाई, एक्टिव मटेरियल ये वो मटेरियल है जो रेस्पॉन्सिबल है लेजर एक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये वीडियो हम लोग, आप लोग देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के समझ में, जो भाई साइंस स्ट्रीम का नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं ऐसे वीडियोस के लिए, उनकी समझ में भी नहीं आता। तो जैसे हर पर्सन टॉपर नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर मटेरियल से लेजर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हर मटेरियल से लेजर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स विच कैन प्रोड्यूस ऑन द लेजर लाइट, जो लाइट के फॉर्म में यानी कि लेजर को एम्पलीफाई करके हमें दे सकते हैं, कुछ ही ऐसे मटेरियल होते हैं उनको कहते हैं एक्टिव मटेरियल। अब ये एक्टिव मटेरियल की पहचान क्या होती है, कौन से मटेरियल को हम एक्टिव मटेरियल कहते हैं, तो एक जनरल आइडिया के लिए मैं एक आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिव मटेरियल जनरली वो मटेरियल होते हैं जिनमें मेटास्टेबल स्टेट प्रेजेंट रहती है।
टू मार्क्स का फर्दर एक दो नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका मालूम है मीनिंग मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, मेटास्टेबल स्टेट ही वो स्टेट है जो लेजर एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, लेजर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बिकॉज मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम 10^-3 एवरेज लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूं 10^-3 सेकेंड होता है, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने में हेल्प करती है। तो मेटास्टेबल स्टेट होना कंपलसरी है, मींस मोर देन टू स्टेट, दो स्टेट है एक्स लोअर और ये हायर, इसके बीच में एक और स्टेट अगर हम रख दें तो वही मेटास्टेबल स्टेट होती है। इसको अभी हम समझेंगे प्रोडक्शन ऑफ लेजर में डिटेल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से एक्टिव मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ एक्टिव मटेरियल का, जो कि सबसे पहला लेजर था रूबी लेजर। तो मोस्ट ऑफ दी लेजर्स में उनके एक्टिव मटेरियल के नाम पर ही लेजर को रख दिया गया है। जैसे सॉलिड स्टेट लेजर की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो उसमें रूबी लेजर का एक्टिव मटेरियल रूबी ही है, और इसमें कुछ हम क्रोमियम आयंस मिला देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल जो इस लेजर एक्शन की प्रोसेस को हाई कर देते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक जिसे कहते हैं, कि किसी भी प्रक्रिया को, किसी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको तेज कर देते हैं, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। लेजर एक्शन को अच्छे से अचीव कराने के लिए रूबी में थोड़ा सा कंसंट्रेशन बहुत ही कम अमाउंट का जो रहता है, पॉइंट कहें कि 1% से भी बहुत लो अमाउंट होता है क्रोमियम आयंस का, उसको मिला दिया जाता है जिससे कि एक्टिव मटेरियल प्रॉपर बना रहे। तो ये तो है हमारा एक्टिव मटेरियल मेन कंपोनेंट का पहला पार्ट। दूसरा है ऑप्टिकल रेजोनेटर। दिस पार्ट, दिस कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेजर। एंड व्हाट इज दिस, नाम से ही पता लग रहा है, ऑप्टिकल रेजोनेटर, जिसमें रेजोनेंस हो सके। रेजोनेंस मींस है टकराना। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लेता हूं कि ये चौक एक ऑप्टिकल रेजोनेटर है, मान लेते हैं। तो ये एक ऐसी बॉडी है, हॉलो बॉडी, इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हमारा ये मटेरियल रखा होगा, ऑप्टिकल मटेरियल रखा होगा, उस मटेरियल को हमने एनर्जी दी। एनर्जी देने से क्या होगा, उससे लाइट मान लेते हैं कि प्रोड्यूस हो गई। अभी हम मान के चल रहे हैं कि लाइट उससे प्रोड्यूस हो गई, कैसे हो गई वो पता लगेगा प्रोडक्शन ऑफ लेजर में। बट अभी मान ले रहे हैं कि लाइट प्रोड्यूस हो गई, तो वो क्या होगी, इस बॉक्स के अंदर ही, ये जो मैंने चौक पकड़ी है जिसे हम कह रहे हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर, वो उसके अंदर ही रहेगी। कौन, लाइट, वो लाइट जो लाइट एम्प्लीफिकेशन से हमें बार बार मिल रही है। ये बॉक्स मैंने बना दिया। अब इसके अंदर स्पेशली होता क्या है, इसके अंदर दो मिरर्स होते हैं इस तरीके से। इनको बनाया ऐसा जाता है कि एक मिरर हमेशा, याद रखिएगा, एक मिरर हमेशा कैसा रखा जाता है, 100% रिफ्लेक्टर रखा जाता है, फुल मिरर की तरह काम करता है। इसको नाम अगर मैं दे दूं कि M1 कह दिया, सपोज मिरर 1, तो एक ऑप्टिकल रेजोनेटर में एक को कैसा रखा जाता है, 100% मिरर। मिरर बनाने के लिए सिल्वर पॉलिश की जा सकती है, और क्वार्ट्स की प्लेट्स भी लेते हैं, कई जगह अलग अलग तरीके के मटेरियल ये हो सकते हैं। कि ये ऑप्टिकल रेजोनेटर बनता किससे, अगर किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि ये बनता किससे, तो मोस्ट ऑफ द लेजर्स में क्वार्ट्स का भी बनता है। ये रूबी में पूरी रूबी की ही रॉड ली गई थी। तो अलग अलग टाइप के लेजर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से लेजर में कौन सा ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है, किस मटेरियल का, अलग अलग में अलग अलग है। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है, जिसमें दो मिरर का कॉम्बिनेशन, और ये मिरर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, स्फेरिकल मिरर भी हो सकते हैं, प्लेन मिरर भी हो सकते हैं, इसकी भी अपने एक टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर पर भी एक अलग से पूरा एक घंटे का लेक्चर बन सकता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर का बेसिक बस फंडामेंटल थिंग इस लेक्चर में जो बेसिक मैंने शुरू किया, तो समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल रेजोनेटर का मीनिंग क्या है। ऑप्टिकल रेजोनेटर का मीनिंग है एक ऐसी कैविटी, इसको ऑप्टिकल कैविटी का भी नाम दिया जा सकता है, एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर दो मिरर का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली एक मिरर 100% रिफ्लेक्टर और दूसरे में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी छोड़ दी जाती है। तो ये कह सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट होता है दूसरा वाला। ये इसलिए होता है ताकि यहां से लाइट बाहर आ सके। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर वो लेजर को प्रोड्यूस करने की जगह है जहां पे एक्टिव मटेरियल रहेगा, जिसमें हम एनर्जी देंगे तो लाइट की इंटेंसिटी रहेगी और वो इसी के अंदर रेजोनेंस करता रहेगा।
इसको हम कहें कि हमने 90% इसमें रिफ्लेक्शन है और केवल 10% की ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जब बहुत हाई इंटेंसिटी की बीम अंदर बन जाएगी तभी वो लाइट बाहर निकलेगी, अगर वो लो इंटेंसिटी की है तो वो उसके अंदर ही रहेगी। ये सारा काम बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे अगर कहें कि आप बटन प्रेस करते हैं किसी भी लेजर पॉइंटर का, लाइट बाहर एकदम से, कितना कम टाइम है, तो आप देख सकते हैं माइक्रो सेकंड्स में ये सारी प्रोसेस हो जाती है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टर्म की तरफ, जो कि हमारा पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम है क्या? पंप करना, पंप मींस होता है किसी चीज को एक्साइट स्टेट में लेके आना। पंपिंग सिस्टम, पंपिंग सोर्स भी कह सकते हैं यहां पर, जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है पंपिंग सिस्टम या पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स होता क्या है? जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको करेगा? इन एक्टिव मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को। एक्टिव मटेरियल के इलेक्ट्रॉन, जो भी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्टिव मटेरियल माने रूबी है, तो रूबी के जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एनर्जी देने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, इस पर भी एक अलग से वीडियो बन सकता है और बनाएंगे भी हम आगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखे रहिएगा ताकि आप तक हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो पंपिंग सोर्स कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि ऑप्टिकल पंप सोर्स। ऑप्टिकल पंप सोर्स वो पंप सोर्स होते हैं जिनमें फ्लैश लैंप्स का हम लोग यूज करते हैं, जैसे जिनॉन फ्लैश लैंप होता है, क्रिप्टन आर्क फ्लैश लैंप होता है, ये सारे फ्लैश लैंप्स हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स के अलावा केमिकल पंप सोर्स होते हैं, जैसे HCL लेजर की मैं बात करूं तो उसमें केमिकल पंपिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो पंपिंग सोर्स है, लेजर एज अ पंपिंग सोर्स भी यूज किया जाता है, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड लेजर की मैं बात करूं, या और भी कई सारे लेजर्स हैं जिनमें लेजर को ही लेजर का पंप सोर्स बना दिया जाता है, क्योंकि लेजर भी एक हाई इंटेंसिटी की बीम है तो उसका भी यूज करा जा सकता है। तो पंपिंग सोर्स में लेजर भी यूज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, कैथोड और एनोड प्लेट लगा दी जाती हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। हीलियम नियॉन लेजर एक इसका टाइप है जिसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पंपिंग भी इसको कह सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप की पंपिंग है, इनको डिटेल में हम आगे समझेंगे। तो पंपिंग सिस्टम या पंपिंग सोर्स इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर, ऑलवेज रिमेंबर। अनदर वन इज कूलिंग सिस्टम। अभी जैसे मैंने बात करी ऑप्टिकल पंप सोर्स की, जैसे हैलोजन होती है बहुत हाई टेम्परेचर रखती है, इसी तरीके से उससे भी कई गुना ज्यादा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स टेम्परेचर रखने वाले जो लैंप होते हैं, फ्लैश लैंप, जिनका एग्जांपल है क्रिप्टन आर्क लैंप। तो ये क्रिप्टन आर्क लैंप जहां भी जिस भी लेजर में यूज किए जाते हैं, या मैं बात करूं जिनॉन फ्लैश लैंप की, तो ये जिनमें भी यूज किए जाते हैं उनमें हमें स्पेशली अलग से कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से पूरा लेजर सिस्टम बस्ट हो सकता है और उसकी एफिशिएंसी तो बिल्कुल डाउन ही हो जाएगी। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इस कूलिंग सिस्टम में बेसिकली नॉर्मली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है नाइट्रोजन कूलिंग, लिक्विड नाइट्रोजन। वी यूज लिक्विड नाइट्रोजन फॉर द कूलिंग पर्पस। इसके लिए इनलेट आउटलेट बने हुए होते हैं। कैसे बने होते हैं ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर को डिस्कस करेंगे वहां पर हम इसको बताएंगे आपको। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये चार बेसिक, और कह सकते हैं ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं लेजर के। अब हम बात कर रहे हैं लेजर के उस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो एग्जाम में 100% आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही आता है और बहुत इजी है समझने के लिए, इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। वो क्या है हमारा पार्ट? वो है प्रोडक्शन ऑफ लेजर। लेजर का प्रोडक्शन होता कैसे है? तो लेजर के प्रोडक्शन के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन सी प्रोसेस है मैं उनको लिख देता हूं और उनको फिर हम डिटेल में समझते हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, अगर मैं सारी चीजों को एक ही इसमें करूं तो एक घंटे में भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बट अब हम प्रोडक्शन ऑफ लेजर में जो प्रोसेसेस हैं इनको मैं इस तरीके से अगर लिख दूं, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर लेजर एक्शन। तो लेजर एक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, बट प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल कौन है? स्टीम रिटेंशन, हमेशा याद रखिएगा। तो इसके लिए नंबर वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन।
नंबर टू है पॉपुलेशन इन्वर्जन, नंबर थ्री है स्पॉन्टेनियस एमिशन, नंबर फोर है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये तीन चार प्रोसेस हम कह सकते हैं, फाइव, एक और प्रोसेस लिख दे रहा हूं, पंपिंग प्रोसेस, वो हमने भी डिस्कस की हुई थी पंपिंग टाइप्स ऑफ पंपिंग सोर्सेस में, तो वहीं से ही ये लिया गया है। तो बेसिकली जो आपको याद रखना है, हमेशा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, एब्जॉर्प्शन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड को ये क्या होता है, किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहां तक रख करके इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करता हूं, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि सर आप तो 20 मिनट में, आपने एक घंटा पढ़ाया, आपने लेजर में कुछ भी नहीं बताया। तो ये मेरा मोटिव, जो भाई इंटरनेट के थ्रू आप या कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी मीडियम से आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से बस यही है कहने का कि अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप नेट पर, यूट्यूब पर इनके लेक्चर्स को सर्च करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा इन लेक्चर्स को ढूंढने में। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको एक ही जगह पर वो सारी नॉलेज मिल जाए जो कि नेसेसरी है किसी भी टॉपिक की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि अगर आप किसी चीज को जानते हैं, जैसे कि मुझे इस समय नाम ध्यान नहीं है, मैंने देखा भी नहीं उनका नाम क्या था, इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जिन्होंने वीडियो लिखा था, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे सभी तरीके के हम वीडियोस को देखते हैं और हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं चलिए इसका देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने गए, ठीक है, एक एग्जाम्पल है जनरली, इसको अदरवाइज ना ले, एक मान लीजिए मूवी देखने गए और आज हमने वो मूवी देख ली, ठीक, मूवी देख लिया, मैं मान लीजिए वो पर्सन हूं जिसने मूवी देख लिया, मेरा फिर से अब मेरा मन हुआ कि मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूं उसी मूवी को, तो वही मूवी से मिलता जुलता टॉपिक कि मैंने कहा चलो देखूं, तो क्या होगा कि मुझे उस मूवी का क्लाइमेक्स मालूम है, और जब वो मूवी दूसरे के साथ हम बैठ करके देख रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ये बोर चल रहा है, इस मूवी में कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि यार इसको तो मुझे क्लाइमेक्स पहले से ही मालूम है। तो हमारी जो अंदर से जो मेंटल एबिलिटी होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई हमें बस सीधे क्लाइमेक्स पे पहुंचा दो, तो हम सीधे क्लाइमेक्स पर भी आ सकते हैं। तो आपसे मेरा बस यही कहना है, जिनके लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कि भाई जो वो 20 मिनट में जो मैंने डेरिवेशन किया, मैं तो उसको 2 मिनट में डेरिवेशन को कर दूंगा, बट उस डेरिवेशन के पीछे जो लॉजिक्स हैं अगर वो आपको बेसिक नहीं पता होंगे, इसीलिए मेरे आपने उसके लेक्चर का टाइटल भी अगर पढ़ लिया होता तो शायद अभी कमेंट नहीं लिखते कि 20 मिनट का डेरिवेशन आपने कर दिया, 20 मिनट में चारों डेरिवेशन करना। अब भाई जिसके लेवल पे, सबके लेवल से, हम तो भाई लो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की माइंड लेवल को कंपाइल करते हुए हमें वीडियो को मैं बनाता हूं, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। चलिए बहुत ज्यादा लेक्चर हो रहा है तो इसको इतना ही मैं रखता हूं, और आगे इसका जो अगला पार्ट है उसको जरूर देखिए, बिकॉज लेजर को समझने के लिए वही पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो टेक्निकल फिजिक्स के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, और फिजिक्स का पेपर जिन लोगों का नहीं हुआ है, कल होने वाला है, तो प्लीज अपने कमेंट जरूर लिखिएगा पेपर देने के बाद, अभी यूट्यूब पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप देख रहे हैं गलती से तो अब ये यूट्यूब देखने का टाइम नहीं है उनके लिए जिनका कल पेपर है, तो सारे एकेटीयू स्टूडेंट्स प्लीज अपने पेपर को बहुत अच्छा करके आएगा, ऑल द बेस्ट।